फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में फैट कंटेंट और कैलोरी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से अक्सर डायबिटीज़ और हृदय के रोगों के मन में यह संशय रहता है कि कहीं इनका नियमित सेवन हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को और वजन को तो नहीं बढ़ा देगा, और कहीं ये हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज की प्रवृत्ति को तो नहीं बढ़ा देगा। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि डायबिटीज़ और हृदय के रोगियों को ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए या नहीं, और यदि करना चाहिए तो उनके लिए बेस्ट ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं। पिछले कुछ वर्षों में हुई वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ नियमित रूप से मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट का सेवन करे तो उसको डायबिटीज़ और हृदय की बीमारियों का खतरा 20% तक कम हो सकता है। यह बात सच है कि ड्राई फ्रूट्स में फैट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, परंतु यह फैट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट ना होके अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उफा या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उफा के रूप में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनसॉल्युबल फाइबर्स भी पाए जाते हैं, तथा इसमें पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से ड्राई फ्रूट्स का नियमित सेवन एक डायबिटीज और हृदय रोगी के लिए तथा एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए कई मानों में बहुत ही लाभकारी पाया गया है। ड्राई फ्रूट्स में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके तथा गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के हृदय की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपने रिच फाइबर कंटेंट, फैट कंटेंट और उन्हें पाए जाने वाले फाइटो न्यूट्रिएंट्स की वजह से डायबिटीज़ के खतरे को कम करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से कैंसर के खतरे को कम करते हैं। फाइबर्स कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये आंतों की सफाई करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इनमें पाए जाने वाला हाई फाइबर और फैट कंटेंट स्टमक में फुलनेस का एहसास दिलाता है, जिससे कि बार बार खाने की प्रवृत्ति कम होती है। इसकी वजह से ये हमारे वजन को कम करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। आइए बात करते हैं कि डायबिटीज़ और हृदय के रोगों के लिए बेस्ट ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कौन कौन से होते हैं। उनमें सबसे पहला है अखरोट। अखरोट पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को कम करता है, खून को पतला करता है, ब्लड के थक्के बनने से रोकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तथा ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसकी वजह से यह भविष्य में हृदय रोगों और डायबिटीज़ के खतरे को काफ़ी कम करता है। अगला है बादाम। बादाम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक प्रमुख स्रोत होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम में पाया जाने वाला आर्जिनिन, मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करता है, और बादाम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करता है, और यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का नियंत्रण भविष्य में हृदय रोगों के खतरे को काफ़ी कम कर देता है। अगला है पीनट। पीनट में पाए जाने वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इसमें पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट रेस्वेराट्रॉल भविष्य में हृदय की बीमारियों के खतरे को काफ़ी कम करता है, और चूँकि पीनट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है, अतः खान पान में इसका नियमित प्रयोग भविष्य में डायबिटीज़ के खतरे को भी काफ़ी कम करता है। अगला है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड और इनसॉल्युबल फाइबर लिग्नेन का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है, जिसकी वजह से यह ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी काफ़ी मजबूत करता है। इसकी वजह से डायबिटीज और हृदय रोगों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगला है चिया सीड। फ्लैक्स सीड की तरह चिया सीड भी ओमेगा 3 फैटी एसिड और इनसॉल्युबल फाइबर्स का बहुत ही बढ़िया स्रोत होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज़ और हृदय रोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। खान पान में चिया सीड का नियमित सेवन हमारे स्टमक में फुलनेस का एहसास दिलाता है, जिससे कि बार बार खाना खाने की प्रवृत्ति कम होती है, जिससे हमारे वजन को नियंत्रित करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों, इन 5 सबसे बेनिफिशियल ड्राई फ्रूट्स के अलावा आप पिस्ता, अंजीर, पम्पकिन सीड और सीसम सीड को भी अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन ड्राई फ्रूट्स को अपनी बैलेंस डाइट का एक हिस्सा बना सकें और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से अपना बचाव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।